भाई मैंने नया आईफोन लिया है, मेरा एक स्लोमो लो ना। 3, 2, 1 स्टार्ट। तेरा बाप। ओके सो गाइस, कैसे हो यार सब लोग? मेरा आप लोग यश, और आप देख रहे टेक लोग यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आपने टिकटॉक पे एक इस तरह की वीडियो तो देख होगी। अगर आप ये वाली वीडियो टिकटॉक पे बनाओगे ना, आपकी वीडियो भी वायरल होने वाले टिकटॉक पे। गाइज टिकटॉक पे इस तरह की वीडियो भी ट्रेंडिंग में चल रही है। इस तरह की वीडियो बनाने के लिए आपको करना क्या होगा, उससे पहले गाइज अपने वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। चैनल सब्सक्राइब करने के बाद घंटी का निशान है उसे प्रेस करो। इस तरह की वीडियो बनाने के लिए आपको एक वीडियो डाउनलोड करनी है ग्रीन स्क्रीन में, और एक अपनी खुद की वीडियो रिकॉर्ड कर लेनी है, और एक छपको एप्लीकेशन जिसका नाम है काइन मास्टर। अगर मैं डाउनलोड करना चाहते हो लिंक है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हो। सो गाइज वीडियो स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट गाइज, सबसे पहले आपको काइन मास्टर एप्लीकेशन ओपन करना है। काइन मास्टर एप्लीकेशन ओपन करने के बाद यहाँ पे एक प्लस का आइकन आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको साइज सेलेक्ट करना है। ओके सो यहाँ पे मैं 9.60 वाला साइज सेलेक्ट करता हूँ। इस साइज को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा है मीडिया, आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने जो वीडियो रिकॉर्ड कर रखी है उस वीडियो को गाइज आपको सिलेक्ट करना है। ओके सो मैंने वीडियो सिलेक्ट किया, टिक का निशान है, टिक करना है। गाइज मैंने यहाँ पे वीडियो आ चुकी है। गाइज जो वीडियो मैंने टिकटॉक से रिकॉर्ड कर रखी है, साथ ही मैं इसमें म्यूज़िक अपने आप ऐड हो चुका है क्योंकि मैंने टिकटॉक से वीडियो रिकॉर्ड कर रखी है, और ऊपर से टिकटॉक को वाटरमार्क आ रहा है। तो इस वीडियो में ये भी बताऊँगा आप वाटरमार्क कैसे हटा सकते हो। ओके तो सबसे पहले गाइज आपको वीडियो फर्स्ट खिसकाने, खिसकाने के बाद आपको धीरे धीरे खिसकाना है, और खिसकाने के बाद जहाँ से गाइज आप फायर कर रहे हैं यहाँ पर, तो आपको वीडियो प्ले करके देखनी जहाँ से फायर कर रहे गाइज यहाँ से फायर कर रहा है। तो गाइज आपको थोड़ा मैं पीछे कर लेता हूँ इतना, ठीक है, और यहाँ से फायर कर रहा है, ठीक है, यहाँ पर रुक जाना है। टिक का निशान आपको टिक करना है। टिक करने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन है लेयर, ठीक है, लेयर पर क्लिक करना है, और फर्स्ट में ऑप्शन है आपको मीडिया, आपको क्लिक करना है, और यहाँ से आपको एक ग्रीन स्क्रीन वीडियो सिलेक्ट करनी है, ठीक है। तो मैं सिलेक्ट करता हूँ, ओके भाई क्लिक करो, और पे ग्रीन स्क्रीन वीडियो आ चुकी है। अगर उसे डाउनलोड करना चाहते हो लिंक है डिस्क्रिप्शन में, डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हो। ओके तो अब कर रहे हैं कि इसका ग्रीन स्क्रीन हटाना है, तो हटाने के लिए यहाँ पे कुछ ऑप्शन शो कर रहे हैं। एक ऑप्शन शो कर रहा है क्रोमा की, क्लिक करना है, इस ऑप्शन को ओपन करना है। ओपन करने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आ चुका है की कलर, क्लिक करना है, यहाँ से ग्रीन कलर सिलेक्ट करना है। टिक का निशान है, टिक करना है, और गाइस देखते हैं ग्रीन जो स्क्रीन थी गायब हो चुकी है। आपको वीडियो इस तरह से खिसकानी है, ठीक है, तो मैं वीडियो इस तरह से खिसका लेता हूँ। खिसकाने के बाद जहाँ से गाइज ये ब्लास्ट हो रहा है, ठीक है, तो वीडियो में इस तरह से आगे खिसकाता हूँ। खिसकाने के बाद गाइज यहाँ पे ब्लास्ट हो रहा है, यहाँ पे आगे खिसका, यहाँ पे गाइज ब्लास्ट हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे को रुकना है, रुकने के बाद कैच के निशान है क्लिक करना है, ट्रिम टू लेफ्ट। ओके लेफ्ट करने के बाद आप जहाँ से फायर हो रहा है वहाँ पे आपको इस तरह से सेट करना है, और मैं यहाँ पे इस लेयर को सेट कर लेता हूँ, ठीक है। सो यहाँ पे ये सेट हो चुका है। अब करने के जो फायर वाली वीडियो है इसका साइज़ आपको फुल करना है। फुल करने के लिए जो फायर वाले लेयर आपको क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद यहाँ पे इसका साइज़ आपको इस तरह से बड़ा करना है, फुल करना है, ठीक है। सो गाइज यहाँ पे इसका साइज़ फुल हो चुका है। अब करने के यहाँ पे कुछ ऑप्शन शो कर रहे हैं, हमारे लास्ट जाने के बाद यहाँ पे ऑप्शन आ चुका है ब्लेंडिंग, क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे कुछ ऑप्शन शो कर रहे हैं, आपके वीडियो में जो भी सेट हो, ठीक है, उस ऑप्शन को आपको सेलेक्ट कर लेना है। तो मैं यहाँ से सिलेक्ट ओवरले, ठीक है, मैंने ओवरले सेलेक्ट किया, टिक का निशान है, टिक करना है, और यहाँ पर मेरी वीडियो बन के रेडी हो चुकी है। ये देखिए फायर कर रहा है, और यहाँ पे इस तरह से फायर हो रहा है इस तरह। और गाइज अब करने के इस वीडियो में स्लो मोशन करना है, तो मैं यहाँ से लास्ट में यहाँ पे स्लो मोशन करता हूँ, ठीक है। तो इस वीडियो पर क्लिक करा है, क्लिक करने के बाद यहाँ पे कैच का निशान है क्लिक करना है, और थर्ड में ऑप्शन आ चुका है स्प्लिट, क्लिक करना है, टिक का निशान है, टिक करना है, और यहाँ पर वीडियो के दो पार्ट हो चुके हैं। जो सेकेंड वाला पार्ट आपको क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद यहाँ पे ऑप्शन शो कर रहा है स्पीड कंट्रोल, क्लिक करना है आपको, इस तरह से आपको लेफ्ट की ओर खिसका लेना इतना, ठीक है, टिक का निशान है, टिक करना है। और गाइज देख लीजिए इस वीडियो में हो चुका है स्लो मोशन, आपको वीडियो प्ले करके दिखाते हैं। गाइज देख लीजिए स्लो मोशन हो चुका, आप करने क्या इसका वाटरमार्क हटाना है। तो गाइज आपको वीडियो पे क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन शो कर रहा है ऊपर से, आपको उस पर क्लिक करना है, और वीडियो में इस तरह से जूम करना है, ठीक है। सो मैं जूम करता हूँ, और जूम करने के बाद ये वाटरमार्क हट चुका, ठीक है, गायब हो चुका, और यहाँ पे एक ऑप्शन शो कर रहा है डबल लाइन का, क्लिक करना है, टिक का निशान है, टिक करना है। और गाइज जो हमारा सेकंड वाला पार्ट है उस वीडियो में आपको सेम करना है, ठीक है, इस वीडियो में क्लिक करना है, इस ऑप्शन में क्लिक करना है, और वीडियो में आपको इस तरह से जूम करना है, ठीक है। सो मैं जूम कर लेता हूँ, और जूम करने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन शो कर रहा है डबल लाइन, क्लिक करना है, क्लिक करना है, और टिक का निशान है, टिक करना है। और गाइज आप इस तरह से अपने वीडियो को बना सकते हो यार, और आप करना क्या है इस वीडियो का लेना अपने मोबाइल में सेव। उससे पहले गाइज जो यहाँ पे लंबी लेयर आपको कट करना है, इस लेयर पे क्लिक करना है, कैंची का निशान है, क्लिक करना है, ट्रिम टू राइट, और इस
वीडियो कर लेते हैं अपने मोबाइल में सेव। सेव करने के लिए यहाँ पे एक ऑप्शन शो कर रहा है, शेयर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके मोबाइल में जो भी क्वालिटी सपोर्ट करती है आपको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे ऑप्शन आ चुका है एक्सपोर्ट, क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप इस तरह से अपनी वीडियो को अपने मोबाइल में सेव कर सकते हो। आई होप आपको वीडियो पसंद आया, तो गाइज वीडियो को लाइक करो, शेयर करो वीडियो को अपने फ्रेंडों के साथ, और गाइज अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं है चैनल को सब्सक्राइब करो। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।